बंद करो इसे। देखो अपन क्या पढ़ते हैं, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी मैटर केमिकल चेंज के अंदर जाता है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज दिखाई देती है, आइदर उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या उसका कलर चेंज हो सकता है, या उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, या फिर गैस भी इवोल्व हो सकती है। तो अभी देखो इसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस कंडीशन के अंदर देखो अपन क्या ले रहे हैं, एक बोतल के अंदर हमने प्योर वाटर डाला है H2O, और इसी के अंदर अपन क्या डालते हैं, कुछ कास्टिक सोडा डालते हैं। जैसे ये देखो कुछ कास्टिक सोडा डालते हैं ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। चलो डालते हैं इसके अंदर। और ये शक्कर नहीं है कभी, ठीक है, घर में खाने की चीज़ नहीं है ये। कास्टिक सोडा एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। बंद करो इसे। देखो अपन क्या पढ़ते हैं, केमिकल चेंज के बारे में पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी मैटर केमिकल चेंज के अंदर जाता है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज दिखाई देती है, आइदर उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या उसका कलर चेंज हो सकता है, या उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, या फिर गैस भी इवोल्व हो सकती है। तो अभी देखो इसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस कंडीशन के अंदर देखो अपन क्या ले रहे हैं, एक बोतल के अंदर हमने प्योर वाटर डाला है H2O, और इसी के अंदर अपन क्या डालते हैं, कुछ कास्टिक सोडा डालते हैं। जैसे ये देखो कुछ कास्टिक सोडा डालते हैं ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। चलो डालते हैं इसके अंदर। और ये शक्कर नहीं है कभी, ठीक है, घर में खाने की चीज़ नहीं है ये। कास्टिक सोडा एक बेसिक सॉल्यूशन होता है।